तेजस्वी सूर्या जो कि अभी पुलिस बल की गाड़ी पे ऊपर चढ़ के बैठे थे वो अब नीचे उतर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे हम बात करते हैं। इनको दिल्ली पुलिस ने आग्रह किया कि आप नीचे उतर जाइए। तेजस्वी जी क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मांग स्पष्ट है। केजरीवाल समस्त हिंदू समाज के अपमान किया है। पूरे हिंदू समाज की ओर से, युवा मोर्चा की ओर से हमारी अनकंडीशनल अपॉलॉजी की मांग है। वी डिमांड अरविंद केजरीवाल टू इश्यू एन अनकंडीशनल अपॉलॉजी, अपॉलोजाइज फॉर डिनाइंग द जिनोसाइड ऑफ द हिंदूज इन कश्मीर। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि पहले भाजपा इतनी एक्टिव नहीं थी मूवी आने से पहले। क्या? सॉरी सर, जैसे कहना है आम आदमी पार्टी का कि आप पहले इतने एक्टिव नहीं थे, भाजपा कभी क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया, अब जाकर उठा रही है। जम्मू कश्मीर के जो इश्यू है, जनसंघ से लेकर आज तक वो इश्यू जिंदा इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो इस इश्यू के ऊपर सिर्फ आंदोलन नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी का खड़ा करने का काम किया है। द कश्मीर इश्यू इज द जेनेसिस ऑफ द ग्रोथ ऑफ दिस पार्टी। आज तक कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी हिंदुओं के हित के बारे में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने बात किया है। आर्टिकल 370 को कौन हटाया? भारतीय जनता पार्टी ने हटाया। आज कश्मीर में, जम्मू में जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो किसने किया? मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो अभी आपने सुना, ये तेजस्वी सूर्या है जिन्होंने कहा कि एक अपॉलॉजी जो है वो अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी सरकार को मांगनी पड़ेगी। कश्मीर के लोगों से, कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने एक असंवेदनशील रवैया अपनाया है। ये आरोप है भारतीय जनता युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें तेजस्वी सूर्या जो है आज प्रदर्शन कर रहे थे। लगातार भाजपा के अलग अलग नेता प्रदर्शन करते आए हैं। इतना ही नहीं, आदेश गुप्ता ने भी अरविंद केजरीवाल को इनवाइट किया अपने साथ फिल्म देखने के लिए और कहा कि आप जो है फिल्म देखने के लिए आइए, तब आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है कश्मीरी पंडितों के साथ। वहीं आम आदमी पार्टी का कुछ और कहना है। विधानसभा में पहले हमला किया आम आदमी पार्टी ने भाजपा के ऊपर, फिर कहा कि हम तो चाहते ही हैं कि जो पैसे मिल रहे हैं फिल्म से वो कश्मीरी पंडितों को दे दिए जाए, और इसी बात पे भाजपा भी दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रही है। आपको बड़े नेता यहाँ पे दिखाई देंगे। जयप्रकाश जेपी जी भी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, जो कि पूर्व मेयर रहे हैं। सर, ये पूरा जो मुद्दा है, आपको लग नहीं रहा कि केवल फिल्म के मामले पे इस मामले को खींचने की कोशिश की जा रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा पहले एक्टिव थी ही नहीं कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पे? देखिए, दिल्ली में ये जो वातावरण बन रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के झूठे बयान से हुआ है। जो उन्होंने सदन का दुरुपयोग करके देश के बहुसंख्यक समाज का अपमान किया है, ये वो आक्रोश है। ये आक्रोश दिल्ली से पूरे देश में जाएगा और अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी मांग उठ रही है कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, यानी कि जब से विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का संबोधन हुआ था, सीएम का संबोधन हुआ था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर तेवर में और लगातार यही बोल रही है कि आम आदमी पार्टी माफी मांगे, अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, तभी जा करके ये विरोध प्रदर्शन खत्म होगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। We'll be right back.